गुड इवनिंग, अभी शाम के 6:15 बजे हैं और मैं और यश यहाँ लेटा हुआ। हम लोग अभी थोड़ा सा मार्केट जाएंगे, मार्केट का काम है। और अभी मैं सो गई थी, सो के उठी हूँ, तो ड्राई क्लीन के कुछ कपड़े वगैरह देने हैं, फिर आके हम लोग को तैयारी करनी है। जो मेरे हस्बैंड जाने वाले हैं तो उनकी पैकिंग वगैरह की। यश मुँह दिखाओ बेटा। ये जो साड़ियाँ उस दिन हमने निकाली थी, तो ये ड्राई क्लीन करवाने की थी। और ये उस दिन मैंने पहनी थी, बट सावित्री में तो मिट्टी लग गई थी, और ये श्रेया ने पहनी थी तो इसमें मिट्टी लग गई थी, तो ये ड्राई क्लीन करानी है। और ये यश की शर्ट है, ये पता नहीं कहाँ बोल रहा दाग जो मुझे दिख नहीं रहा, ये शायद उससे दिखेगा, क्या बोलते हैं उसे, मैग्नीफाइंग ग्लास से दिखेगा। इसको भी ड्राई क्लीन कराना है, एक बार अभी पहनना था इसने सिस्टर के यहाँ जाते हुए, तो इसको कह रहा है कि दाग लगा हुआ है कुछ, तो दिख रहा है आपको, गौर से देखिए, ये दाग दिख जाए तो बताइए, नहीं है दे दो, कोई नहीं, ये तो हो गया। अब गुस्सा हो गया, चलो अब हो गए तैयार, मतलब तैयार हो गए, क्यों ले भी ले जानी और मुझे कपड़े भी लेके आने, 1-1.5 महीने पहले, जब मैं अभी आई हूँ उधर से देवगढ़ से, तो तब मैं उसे उसके आते ही मैं देखे आई थी, 1 महीना हो गया शायद, ये मैं देखे आई थी, 1 महीना नहीं हुआ है, 22 तारीख को देखे आई थी और अभी तक लेके नहीं आई हूँ, 25 को देखे आई थी और अभी तक नहीं लेके आई हूँ। ये मेरे हस्बैंड की शर्ट्स और कुर्ता वगैरह है, वो भी लेने जाना है और साथ में ये ड्राई क्लीन भी लेने के लिए जा रही हूँ। अरे यार गर्मी इतनी ज्यादा हो रखी है ना कि मन ही नहीं करा जाने का, और दिल ही ऐसे करके चलता रहता है। ये सही लग रहा है या इसको यहाँ पहनू? नहीं ये वो वहीं पे ठीक था, ऊपर ऊपर नहीं अच्छा लग रहा है, ऐसे ऐसे जो आपने पहले शेप में पहना वो बहुत अच्छा लग रहा है। अभी मैं लोकल मार्केट से ड्राई क्लीन वगैरह के लिए देख के आई हूँ और कपड़े लेके भी आई हूँ, तो ये मैंने खरीदे हैं 50-50 रुपए के, और हम लोग की आपस में बात चल रही है, मेरी सिस्टर आई हुई है छोटी वाली, मुझे ऐसा गोल्ड का चाहिए, ऐसा भी और वैसा भी, दिखाओ नहीं ये देखो ऐसा चाहिए, क्या करोगे, कैसा लग रहा है, नकली भी पहनोगी गोल्ड भी पहनोगी, नहीं पूरा गोल्ड, फर्क क्या पड़ेगा, ये अच्छा लग रहा है, ऐसे लग रहा है गोल्ड भी, ऐसे ऐसे सोने का दिखा दूंगा, गोल्ड भी तो सेम ही पड़ेगा। ईयरिंग का तो डिसाइड हुआ नहीं कि गोल्ड का बनेगा नहीं बनेगा, वो तो हम लोग मजाक कर रहे थे, और अभी शाम को या रात को कह लीजिए मैं पैकिंग कर रही हूँ। एक्चुअली कल सुबह मेरे हस्बैंड को जाना है, तो लिस्ट ऑलरेडी वो बना चुके हैं, क्योंकि हम लोग जब भी कभी पैकिंग करते हैं तो मेक श्योर करते हैं कि लिस्ट हमने पहले बना ली हो, जिससे कि कोई भी सामान हमारा छूटने का चांस नहीं रहता, और जैसे जैसे हम लिस्ट का सामान हम रखते जाते हैं तो उसके बाद हम उसको क्रॉस करते जाते हैं। और जैसे ये सूटकेस, खाली सूटकेस होते हैं, तो उसमें जो दूसरे सीज़न के कपड़े होते हैं लाइक विंटर वगैरह के कपड़े, अभी समर्स में मैं उनको अलग रख देती हूँ, तो खाली सूटकेस वैसे भी जगह घेरते हैं, तो आप उनके अंदर अगर कुछ रख देते हैं कपड़े जो सीज़न के नहीं है, तो उससे आपकी जगह बचती है और आपको आपके वार्डरोब में स्पेस मिल जाती है। और पैकिंग के लिए मैं पैकिंग क्यूब प्रेफर करती हूँ, स्पेशली मेरे हस्बैंड के कपड़ों के लिए, क्योंकि जब वो एक कपड़े निकालते हैं तो उसके बाद वो सारे कपड़ों को बिखेर देते हैं, तो बेटर है कि अगर पैकिंग क्यूब्स में रहेंगे तो अगर उन्हें एक अंडरगारमेंट भी निकालना होगा तो वो वाला क्यूब ही उठाएंगे। और ये पैकिंग क्यूब मैंने ऑनलाइन परचेज़ किया था, तो अगर चाहें आप तो मैं इसका बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। ये मैंने 4 का सेट लिया था, ये थोड़े से एक्सपेंसिव हैं, लेकिन मैं इनको कई साल से यूज़ कर रही हूँ, लगभग 2-2.5 साल से यूज़ कर रही हूँ, और
ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, और ख़ास करके अगर आप किसी वेडिंग में जा रहे हैं या किसी ऐसी जगह पे आपको जाना है जहाँ पे आपको कुछ पार्टी वियर लुक क्रिएट करना है या कुछ भी मेकअप का सामान या सारा कुछ आपको एक साथ रखना है ड्रेस के साथ, तो आप इस टाइप के क्यूब्स में रख सकते हैं जो कि सारी चीज़ें एक जगह मिल जाएंगी। और मेरे हस्बैंड अभी गाँव जा रहे हैं, कुछ फंक्शन है, तो मैं एथनिक कुर्ता ही रख रही हूँ, जो शॉर्ट कुर्ता होते हैं, लॉन्ग कुर्ता होते हैं, उस टाइप के रख रही हूँ, और साथ में डेनिम वगैरह, और साथ में ये यश की टी शर्ट आ गई गलती से, वो मैंने उसे फोल्ड करके दे दिया। और यश पढ़ाई कर रहा है फ़ोन पे, एक्चुअली हमने उसे ऑनलाइन क्लासेस दिला दी हैं ट्यूशन की, तो वो लैपटॉप और कंप्यूटर लैपटॉप और फ़ोन पे पढ़ लेता है, तो अभी पढ़ाई कर रहा है फ़िलहाल। और जो अंडर गारमेंट्स हैं तो उनको भी मैं सही से फोल्ड करके रख रही हूँ। कई बार ऐसा होता ना कि हम जल्दबाजी में जो अंडर गारमेंट्स वगैरह हम ऐसे ही बनियान वगैरह ऐसे ही बिना फोल्ड किए रख देते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा मैश लगता है देखने में, एकदम अजीब सा लगता है। तो अगर हम सही से फोल्ड करके डालते हैं तो जगह भी कम घेरता है, और आपको पता होता है कि हाँ एग्जैक्टली कितने हैं आपके पास, और आपको सही टाइम पे मिल जाते हैं। तो वैसे मेरे हस्बैंड जा कम ही दिन के लिए रह रहे हैं, लेकिन वो हमेशा थोड़ा ज़्यादा कपड़ा लेके जाते हैं। जैसे मैंने एक में उनका जो डेनिम और शर्ट या जो भी उन्होंने एथनिक कुर्ता टाइप के रखे हैं वो सब रखा है, फिर मैंने जो घर में पहनने वाले शॉर्ट्स टी शर्ट्स ये सब रखा है, और सबको टी शर्ट और शॉर्ट्स वगैरह को मैं रोल में कर रही हूँ। और इस टाइप का जो टॉवल आता है ये पतले कॉटन का होता है, ईजिली ड्राई हो जाता है और जगह कम घेरता है, तो ट्रैवलिंग के लिए बहुत अच्छा रहता है। और जीन्स भी जो मैंने फ़ोल्ड की है, इसका मैंने जो फोल्ड किया है इसका शेप जो थोड़ा सा सिमेट्रिकल होता है ऊपर की तरफ से, उसको मैंने एक सिमेट्रिकल शेप में ला के फिर इसको फोल्ड किया है, जिससे कि प्रॉपर रेक्टेंगल शेप में आ गया, जिससे कि पैकिंग में अजीब नहीं लग रहा, इजीली मतलब एक अच्छा शेप आ गया और सही से पैक किया मैंने। और टी शर्ट्स वगैरह मैं रोल करके रख रही हूँ। और मेरी बहुत सारी इस टाइप की जो क्लोथ फोल्डिंग की वीडियो है अनुपमा झा चैनल पर, आप चाहें तो वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो मैं बहुत जल्दी इस पर भी कुछ क्लोथ फोल्डिंग के टिप्स शेयर करूँगी। 3 क्यूब्स मैंने ऑलरेडी यूज़ कर लिए हैं और 4th मैं पूछ रही हूँ। और ये जो विंटर के कपड़े थे ये मैं दे देती हूँ, ये अभी वार्डरोब में जो स्पेस खाली हुआ है जिन कपड़ों के रखने निकालने की वजह से, तो वो कपड़े फिर से अभी डाल देंगे, और फिर जब आएंगे तो फिर सूटकेस में वापस से डाल देंगे। और अब ये क्यूब्स में हैं तो ये इधर उधर नहीं जाएंगे। और ये टॉवल मैंने ऊपर ही डाल दिया है, और ये टॉवल सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए ही यूज़ करते हैं, क्योंकि घर के लिए तो दूसरा टॉवल होता है, ये ट्रैवलिंग के लिए बहुत ही कन्वीनियंट रहता है, क्योंकि अभी ये घर पे जा रहे हैं, होटल वगैरह में अगर रुकना होता है वहाँ तो मिल ही जाता है, लेकिन घर पे जा रहे हैं तो वहाँ तो ज़रूरत होती है। और बाकी मैंने इस टाइप की किट यूज़ की है, क्योंकि वो बहुत ही कम सामान ले जाते हैं तो इस टाइप की किट यूज़ की है, नहीं तो इस टाइप के बहुत सारे मल्टी पॉकेट ऑर्गनाइजर्स भी आते हैं ट्रैवलिंग के लिए, तो वो आप यूज़ कर सकते हैं। आप चाहें तो मैं उसका बाइंग लिंक दे दूँगी डिस्क्रिप्शन में, आप चेक कर सकते हैं। वो जब मैं जाती हूँ तो मैं ले जाती हूँ उस टाइप का किट वगैरह, और मेरे हस्बैंड सारे लिस्ट चेक क्रॉस करे जा रहे हैं। उसके बाद मैं चार्जर वगैरह रखूँगी, और कुछ मैंने प्लास्टिक बैग जो बनियान वगैरह मैंने रखी थी नई तो उसके थे वो मैंने डाल दिए हैं, और एक जो क्यूब बच गया था पैकिंग क्यूब वो भी मैंने डाल दिया है, जो कुछ गंदे कपड़े वगैरह के लिए, और कुछ मैं जूट बैग बाद में डाल दूँगी गंदे कपड़ों के लिए, जिससे कि जो बचे हुए कपड़े जो बिना पहने हुए कपड़े वो ना गंदे हो। ये हो चुकी है पैकिंग, ऊपर मैंने रखा है जो कपड़े उन्हें पहन के जाना है। ये था आज तक का व्लॉग, मिलती हूँ आपसे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।